नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश खिची और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एनर्जी। गाइज, आप मेरी वीडियोज़ को देखते तो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी फर्स्ट जो वीडियो थी अपनी फोटो पे शायरी कैसे लिखे, उस पर मेरे को आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे लाइक्स भी मिले हैं, तो उन सबके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिन दोस्तों को वीडियो समझ में नहीं आई थी अच्छी तरीके से, तो उन्होंने मेरे को कमेंट करे थे, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना लूँ, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरे को एक कमेंट आया था सेना क्रिस्ची की तरफ से, उन्होंने मेरे को बोला कॉपी करके पेस्ट कैसे करते हैं, और एक और भाई है सबका बाप, उनको भी यही कुछ समझ में नहीं आया कॉपी करके पेस्ट कैसे कर। एक और भाई है जिनका मई म्यूजिक नाम से चैनल है, और उन्होंने मेरे को कमेंट करके बोला था ब्लैक हाइलाइटर फोटो में कौन सी ऐप से यूज करते, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया था, मैंने उनसे वापस पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बोला था फेसबुक पे एक पेज है जिसका नाम है पॉइजन्ड थॉट्स, तो मैंने वहाँ पर जाके देखा और उन्होंने बोला वो जो फोटो एडिट करके वो कैसे करते हैं, तो मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते मेन मुद्दे पर। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉपी कैसे करते हैं। तो हम यूसी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, ये रहा यूसी ब्राउज़र, ये जो वेबसाइट है 123indiestatus.com, मैं सारी शायरियाँ और स्टेटस यहीं से कॉपी करता हूँ गाइज, और बहुत सारे मैं मन से भी लिख लेता हूँ लेकिन जब ज़रूरत पड़ती तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ कैसे कॉपी करते हैं। तो गाइज ये देखिए, जैसे कि ये अपने को शायरी कॉपी करनी है तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर टच करना है और थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है। ये देखिए, होल्ड करके रखने पर यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट एंड कॉपी, इस पर क्लिक करना है, और जैसे कि ये ऊपर लिखा है एक्सपेंड, इस पर क्लिक करें, और एक बार और क्लिक करने पर ये आपकी शायरी को पूरे को सेलेक्ट कर लेगा, और फिर आपको तो यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है, तो ये आपकी कॉपी होगी शायरी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सबसे पहले पिक्स आर्ट के अंदर जाना है जिससे आपको फ़ोटो एडिट करनी है। पहले की वीडियो में मैंने यही बताया था, जैसे कि मेरे को कोई सी भी एक फ़ोटो ले लें, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ये ओपन हो गई। अब आपको क्या करना है, टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट में क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करें, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था 1:1 साइज ही ले, तो ये 1:1 साइज लेके ओके कर दे। अब आपको क्या करना है, कोई सी भी एक फ़ोटो लेनी है, एड फोटो, और जैसे कि आपको जो फ़ोटो डालनी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे कि कौन सी ये ले ली, जैसे कि गाइस, तो देखिए ये लेनी है गाइस। अब आप सोच रहे होंगे फ़ोटो कहाँ से ले, इसका मैं सबसे बढ़िया आइडिया बताता हूँ। आप पंजाबी सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं, या बॉलीवुड के सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई भी जो आपको फ़ोटो ऐड करना है उसका सॉन्ग डाउनलोड करके उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यही करता हूँ अपनी ज़्यादातर शायरों में, सब मैं यही करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उनका और फिर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, इस कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है उसके ऊपर, और उससे पहले चाहे तो आप इसको क्रॉप भी कर ले, तो ये देखिए मैं क्रॉप कर लेता हूँ, जिस जो ये इसका ब्लैक वाला ये सर्कल है ये हट जाएगा, और अब आपको नीचे भी जगह छोड़नी है क्योंकि इस जगह पर आपको टेक्स्ट लाना है। तो पहले तो ये हो गया सेव, अब आपको प्लस पे जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट में एल लिखना है गाइस, एल इसलिए लिखना है क्योंकि ये आयत के आकार का होता है, तो अपने को ये देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इसके ऊपर अपन टेक्स्ट लिखेंगे। तो गाइस ये देखिए, इसको इसके नीचे बराबर सेट कर ले, आपको उतनी जगह चाहिए जितने के आपके टेक्स्ट हो, तो उस हिसाब से आपको फोटो को दोनों को सेट करना है। तो ये अपने हिसाब से देख ले कि आपकी शायरी कितनी बड़ी है और उसके लिए जगह कितनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे, और आप चाहे इस वाइट जो ये आपको एल लिखा है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके ये देखिए कोई सा भी कलर दे सकते हैं, ये देखिए, लेकिन मैं वाइट ही रखूँगा, वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब आपको वापस प्लस के ऊपर जाना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको वापस क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन जो ये लाइन दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे लाइन दिख रही है, इस पर आपको क्या करना है, आपको इसको अपनी उंगली को दबाए रखना है, तो दबा के छोड़ेंगे तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, उंगली को दबा के रखना है और होल्ड करना है, तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पेस्ट करेंगे तो उधर जो अपने कॉपी कर रखी होगी ये वो सारे टेक्स्ट इधर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपको फर्स्ट लाइन में रखना है उसको ही रखे, बाकी को नीचे ले जाए, तो ये जो नीचे ये दिखिए ये बटन दिख रहा है ये यहाँ पे, इस पर क्लिक करें और ये नीचे चला गया, और फिर आपको सेकंड लाइन में जो रखना है ठीक है, बाकी उसको नीचे ले जाए। गाइज ये क्योंकि अपन कॉपी कर रखे हैं तो वो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे तो सब एक ही लाइन में लंबी चली जाएगी, तो अब मैं बता देता हूँ कैसे जाएगी। ये देखिए
जैसे कि ओके करते हैं तो ये मैंने देखिए ऊपर की दो लाइनें सेट है लेकिन नीचे की ये एक लंबी चली गई, तो ऐसे अपने को जमेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, इनको जो अब जैसे कि इसको तीसरी लाइन में रखना है, मेरे को ये वाला बटन दबाना है, फिर वापस नीचे क्लिक करके ये वाला दबाएंगे तो ये सारे लाइन वाइज जम जाएंगे। अब आपको ओके करना है और टेक्स्ट ये देखिए ब्लैक कलर ले लें, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का है, तो आपको ब्लैक ले लेना है। ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब आप चाहे अपन जैसे कि इनके टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ये देखिए आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पर रख दे, आपको जो मतलब जैसे कि ये अच्छा लग रहा है तो ये। एक और भाई ने मेरे को कमेंट करा था साथ में, मतलब अपन यहाँ पे इमोजी नहीं लगा सकते, बहुत सारे टेक्स्ट क्या सपोर्ट नहीं करते इमोजी, तो आपके जो मेन टेक्स्ट होते हैं जैसे कि यहाँ पे है लिख रखा है कमजोरी है, तो ये है हट जाएगा, दिखेगा ही नहीं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक इमोजी ऐड करके, ये देखिए गई दो मिनट, कौन कौन से दो मिनट इस पर सपोर्ट कर रहा है, जिस पर नहीं करता शायद, मैंने एक दो चेक करा था उस पर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो कर रहा, आप चेक करके देख सकते हैं इमोजी साथ में लगा के, अगर कट रहा है तो आप इमोजी बाद में सेट कर सकते हैं। ये भी मेरे को एक कमेंट आया तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि मेरे को ये शायरी हो गई, ये तो आपको पता ही चली गया कॉपी करके पेस्ट कैसे करते हैं, ये हो गया और ये हो गया सेव। तो गाइस ये देखिए अपनी शायरी कंप्लीट, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, भले वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है लेकिन मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। एक और जो कमेंट आया था मुझे एक भाई की तरफ से जिनका माई म्यूजिक के नाम से चैनल है, तो उन्होंने मेरे को कमेंट में बोला था कि ये जो फेसबुक पेज है पॉइजन थॉट्स, उस पर ये देखिए फोटो एडिट हो रखा है, तो ऐसे फोटो एडिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको पता नहीं हो कि ये जो बैकग्राउंड में फ़ोटो दिख रहे हैं ब्लर फोटो, या यूँ बोले DSLR से ली हुई लाइट्स की फ़ोटो है जिनको ब्लर कर रखा है या बोके इफेक्ट दे रखा है, तो ये डाउनलोड कहाँ से करें, तो आप गूगल से आप ब्लर नाइट ऐसा लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर एक ऐप है मैं इसी से सर्च करता हूँ इमेज सर्च मैन, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे ये देखिए ब्लरी नाइट ये लिख सकते हैं आप और सर्च करें, आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली बहुत। ये देखिए बहुत सारे वो फोटो आपको जो अच्छा लगे वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो जैसे मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, बिल्कुल उसी की तरह एडिट करके बताऊँगा आपको। तो अपने को सबसे पहले क्या उस फोटो को ओपन करना है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब आपको इसको वापस PicsArt के अंदर खोलना है और इसको भी आपको 1:1 साइज में कन्वर्ट करना है, तो ये टूल्स में क्रॉप में गए और ये 1:1 हो गई। अब आपको टेक्स्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे L लिखना है, और ये जैसे कि मैंने L लिख दिया, अब इसको क्या आपको ब्लैक कलर करना है जैसे कि उसमें कर रखा है। आप चाहे तो मन आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्लैक कलर का करना है, तो यहाँ पे ये फॉन्ट्स के पास में आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, यहाँ से आप ब्लैक कलर कर सकते हैं। तो अब आपको प्लस के अंदर जाना है और ये जो टेक्स्ट है उस पर जाना है, जो भी आपकी शायरी वगैरह हो, अभी मेरे पास ये हिंदी वाली मैंने उधर से कॉपी कर रखी यही है तो यही बता देता हूँ, और ये इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो ये अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आप इसको आराम से करें, जैसे कि ये पीछे जो ब्लैक कलर का ज़्यादा दिख रहा है आप इसको छोटा कर सकते हैं, बराबर आपके साइज में आए थोड़ा इधर ले सकते हैं, या मैं बोलूँगा शायरी ऐसी ले या कुछ भी स्टेटस वगैरह आप जो भी ऐड करेंगे लव लाइंस वगैरह वो ऐसे ले जो छोटे हो, ज़्यादा बड़े होने पे क्या वो अच्छे नहीं लगते। और ये भी हिंदी के, लेकिन आप मैं बोलूँगा फॉन्ट्स काफ़ी अच्छी तरह बहुत सारे फॉन्ट्स है, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसकी भी मैं वीडियो अलग बनाऊँगा एक फॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करें और उनको वो जो फाइल आती है अलग आती है उसको आप फॉन्ट्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए ये बन गई उस फेसबुक पेज की तरह और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये हो गया मेरा वीडियो, शायद काफ़ी लंबा हो गया होगा लेकिन फिर भी बोलूँगा आपको शायद पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको नीला कर दे और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत थैंक्स उस वीडियो पे इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए। गुड नाइट।